गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। पौधा लगाकर लोगों को दिया हरियाली का संदेश। सैदपुर के पियरी में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस जगह पर पौधा लगाकर लोगों को हरियाली का संदेश दिया। फिर यह कारवां सैदपुर तहसील पहुंचा। यहां पर कर्मचारियों को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया, दर्जनों की संख्या में पौधे लगाए। ब्लॉक पर भी यही कार्य हुआ। जब यह काफिला आगे बढ़ रहा था कि संजय राय की नज़र एक ठेले पर पड़ी। एक व्यक्ति भुट्टा बेच रहा था। वह अपने वाहन से उतरे और उसका नाम पूछा। इस पर भुट्टा बेचने वाले युवक ने अपना नाम महमूदपुर निवासी विनोद गोर बताया। कहा कि वह गांव के प्रधान भी हैं और प्रधान बनने के बाद भी भुट्टा बेचना नहीं छोड़े। विनोद से शेरपुरिया बहुत प्रभावित हुए। बोले, देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्होंने पद पाने के बाद भी मूल कार्य नहीं छोड़ा। उन्होंने विनोद से कहा कि हम आपको ई ठेला देना चाहते हैं। इसमें चाट, समोसा, पानी पूरी सहित अन्य कार्य कर सकते हैं। शेरपुरिया के इतना कहते ही विनोद खुशी से झूम उठे। उन्हें समझाया, बोले, हम चाहते हैं कि आप लोगों को प्रेरित करें और अपने जिले में ही रोजगार करके जिले को ग्रेटर गाजीपुर बनाएं। एचआर पैलेस का विनीत राय, पवन मिश्रा, शुभम मोदनवाल, ओम प्रकाश जयसवाल, आशीष सुनकर और सभी साथी से संपर्क किया। और सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि संजय राय शेरपुरिया के नाम से आपको जाना जाता है, ये शेरपुरिया नाम किस लिए आपने अपने आप में लगाया? आपने बहुत ही मेरी दुखती रक्त पे हाथ रखी। आज आप सबके समक्ष से बात कह देता हूँ। आज से एक साल पहले या 6 महीना पहले गाजीपुर में कोई भी गूगल में सर्च करता था, अगर हम किसी को बताते हैं कि हम गाजीपुर के रहने वाले हैं, तो वहां पे फोटो आता था बाहुबली का, माफिया का, गुंडों का, और जो रक्त की खून की होली खेलने वाले लोगों की आती थी। और हमसे कोई पूछता था आप कहाँ के रहने वाले, तो हम शर्म के मारे बताते नहीं थे। हम कहते थे हम बनारस के बगल के रहने वाले। क्या हम यही परंपरा अपने आने वाले जनरेशन को भी देना चाहते हैं क्या? फिर मैंने इसको बहुत गहन मंथन किया कि क्या चीज ऐसी की जाए जिससे कि गाजीपुर के लिए जो एक धब्बा है उससे हमें बाहर निकालने में काम करें। तो जब स्टडी के दौरान ऐसी चीजें आ गई, क्योंकि हम लोग बहुत समय से बाहर रहते हैं, एक चीज निकल के आई कि यहाँ की सबसे बड़ी जिले की समस्या है बेरोजगारी। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है और राजनीति यहाँ के लिए एक जीवन जीने का पर्याय बन चुका है। गाजीपुर में 4 चीजें, या तो आप पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी करिए, दूसरा आप पढ़ लिख करके बेरोजगार बन के छात्र नेता बन के घूमिए, तीसरा चीज है यहाँ पे गुंडागर्दी माफियागिरी का आपके रिस्पेक्ट है, और अगर इन तीनों में चुने फिर ठेकेदारी कर ली। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, मेरा विषय नहीं आलोचना करना, लेकिन जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनको आज तक पिछले 70 वर्षों से यहाँ के नागरिक वोट दिया है, उन्होंने यहाँ पे कल कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग की क्यों नहीं बात? क्यों यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को 10,000-15,000 की बंबई दिल्ली में जाके जिल्लत भरी जिंदगी जी करके और आय के स्रोत बनाने पड़ते हैं? ये कोई सामान्य बात है होना। दूसरी चीज है कि जब हम से कोई पूछता है राय का मतलब क्या होता है, तो मुझे लगा कि हम क्यों एक जाति के एक उसमें बंध के रहें, हम अपनी मातृभूमि के साथ जुड़ के रहें, क्योंकि हमारा गांव और शहीदों का गांव है। शेरपुर के बारे में बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जहां पे 8 लोग भारत की आजादी में 1942 17 अगस्त को शहीद हो गए, उस गांव के बारे में भारत में कहीं चर्चा नहीं हुई। युवा साथियों, आज गाजीपुर के औढ़ियार फाटक पे हम लोग खड़े हैं और एक आपको घटना क्रम से आपको अवगत कराऊंगा। ज्यादातर लोग चुनाव जीत जाने के बाद उनके परिवार में एक भी कोई ग्राम प्रधान होता है तो अपना पहले में पहले जो काम करता है उसको बंद कर देता है और पूरी तरीके से सरकार के दिए हुए स्कीमों पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन इस जिले में एक विरले घटना देखने के लिए मिली। हमारे साथ इस गांव के ग्राम प्रधान हैं, इनसे मैं अपना परिचय पूछूंगा और इनसे 2-4 सवाल करूंगा जो आज गाजीपुर के उन तमाम लोगों के लिए मुंह पे तमाचा है जो
जो राजनीति को अपना पेशा बना लेते हैं और पेशे को छोड़ करके राजनीति की तरफ ध्यान देते हैं। साथियों, इस गांव के प्रधान हैं, आपका नाम बताइए। कौन सा गांव है? महमूदपुर गांव है। आपका नाम क्या है? मनोज। मनोज, आपकी श्रीमती जी प्रधान है? अच्छा, तुम खुद प्रधान हो। देखिए, ये प्रधान है और पहले तो जो जितने भी लोग खड़े हैं इनका ताली बजा के हम सम्मान करेंगे कि इन्होंने प्रधान होने के बाद भी अपने मूल पेशे को नहीं छोड़ा और आज यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के माध्यम से संस्था इनको हर हाथ में काम, हर जेब की काम की शुरुआत आज यहाँ से करने जा रहे हैं। अभी हम 5 मिनट के बाद यहाँ पे ठेला इनको देंगे, जो ठेला के माध्यम से अपने रोजगार के आयाम को बढ़ाएंगे और आज से आप इसको QR कोड में लाइए, मोबाइल आपका दीजिए, इनको QR कोड स्कैन करिए और फॉर्म भरिए। इस QR कोड के माध्यम से जिनको आज हम एक ठेला यहीं पे तुरंत रोजगार के लिए दे रहे हैं और इनके जीवन में आने वाले समय में क्या वृद्धि आएगी इनसे हम आकर के पूछेंगे। हम आपको ठेला दे रहे हैं, आप ठेला चलाइए, उसके बाद में हम बैंक के साथ फाइनेंस करा के जोड़ देंगे आपको और धीरे धीरे आप जो आज कितना पैसा कमा लेते हैं? 200-300 कमाते हैं। अगर आप रोज का 1000 रुपए कमाएंगे तो ठेले का पैसा दे सकते हैं कि नहीं, है ना? तो हम आपको बैंक के साथ जोड़ेंगे और आपको बैंक से इंटीग्रेट करा के आपको बढ़िया ठेला देंगे ताकि आप रोज जो 300 रुपए कमाते हैं उससे आप 1000 रुपए की तरह बढ़े, जिससे कि आप अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएं। अगर आप 1000 रुपए करेंगे कमाएंगे तो क्या करेंगे? सहयोग भी होगा, कुछ अपना घर परिवार अपना। वाह, क्या बात है, यही हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प यही है कि आज अगर आदमी अपने हाथ से अपने काम को करता है, वो आदमी जो नौकरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जाता है, गुजरात जाता है, अहमदाबाद जाता है, पंजाब जाता है, उनको इनसे सीखना चाहिए कैसे अपने गांव में भी रह करके छोटा कारोबार करके जितना पैसा आप दिल्ली मुंबई में 10-15 हजार में नौकरी करते गांव में कमा रहे। तो यही एक गांधी जी का सपना, यही एक ग्रामीण भारत जहाँ से गाजीपुर जिला ग्रेटर गाजीपुर की तरफ हम आगे कूद करने जा रहे हैं। साथियों, यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी घटना है। शायद जो भी लोग देख रहे हैं और यह वीडियो देखेंगे मुझे नहीं पता है, परंतु मैं इसको महसूस कर रहा हूँ इनके जीवन में आने वाले समय में क्या घटना है। जय हिंद, जय भारत।